जय हिंद साथियों, रूबरू कराते हैं इस वक्त हम एक आपको बड़ी खबर के साथ। खबर सुर्खियों में रहने वाले एसडीएम के स्टोनो जुबैर के बाबत आ रही है। बसई गांव के एक गरीब ट्रैक्टर चालक को दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बीते 14 दिसंबर को बहरे में से तीन चार अन्य व्यक्तियों द्वारा पिटाई की गई और उसी को लेकर आज 16 दिन बाद भी पुलिस ने अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल या निशान खड़े कर रहा है। बड़ी बहरीमी से ट्रैक्टर चालक को पीटने बाबत उसके पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और पुलिस प्रशासन लगातार न्याय की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और हमारे साथ हैं यानी कि पीड़ित के पिता, तो ये हमें बताएंगे आखिर क्या घटना थी, सारी घटना से रूबरू कराएंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम हुसैन था, बसई में रहने वाला हूँ। तो ये क्या घटना हुई थी जी? ये मेरा लड़का ट्रैक्टर चालक है, वो ट्रैक्टर चला रहा था, ओवरलोडिंग के ऊपर जुबैर और उसके 6-7 आदमियों ने रोक लिया, उनसे पैसे मांगे, उन पर कहाँ पैसे ना देने पर लाठी डंडे और सब पीटा है उसने, और उस बात हमारा करके रोड पर पटक के भाग गए और किसी पता नहीं किसी और अन्य आदमियों ने उनको उठा करके हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं सुबह उनके पास पहुँचा, उसका एक सिर में बहुत बड़ी भयंकर चोट आई कान के ऊपर और दाहिने हाथ की ये उंगली टूट गई और अब तक 14 तारीख का वाका है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मुकदमे से क्या होता है, उनकी गिरफ्तारी हो तो हमें न्याय मिले। हम आपको बता दें फिरोजपुर झिरका उपमंडल का ये कोई पहला मामला नहीं है जब एक ट्रैक्टर चालक के खिलाफ बड़ी बहरहमी से मारपीट की गई। इससे पहले भी एसडीएम साहब सिटोनो वे गार्ड तक सुर्खियों में रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान निवासी एक लड़के को बहुत बहरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि गाड़ियां तक तोड़ दी। हालांकि पुलिस ने उस मामले में भी एसडीएम समेत स्टोनो जुबैर व अन्य 6-7 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई। इससे तो साफ जाहिर है कि फिरोजपुर झिरका पुलिस पूरे दबाव में काम कर रही है। आखिर अगर जनता को इसी तरीके से न्याय नहीं मिला तो जनता कहां जाएगी? आगे भी अगली क्राइम खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।